ओमेज ओ ओरल सस्पेंशन मिंट फ्लेवर और शुगर फ्री है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितना दिन करना है, कैसे इसका बेनिफिट्स मिलता है, क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। ओमेज ओ ओरल सस्पेंशन के बारे में पहले हम जानते हैं, तो इसे रेड्डी लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 200 ml का एक बॉटल, जिसकी कॉस्ट 123 रुपया है, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क मैग्नीशिया है, सेमेथिकॉन है और ऑक्सीटकैन है। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल कैसे वर्क करते हैं। तो जब एसिडिटी रहती है पेट में और गैसेस पेट में रहती हैं, और जैसे आपका सीना जलता है या जैसे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, तब ये मॉलिक्यूल वर्क करते हैं। तो अब बात करते हैं किस तरह की समस्या में आपको इसे लेना चाहिए और कैसे। तो जब आपको एसिडिटी से प्रॉब्लम है, आपको अल्सर हुआ है, एसिडिटी का अल्सर है, या जैसे कि आपका सीना जल रहा है एसिडिटी की वजह से, या आपको जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हुआ है आपको, या जैसे कि अगर आपका पेट दर्द हो रहा है वो जो कि एसिडिटी के वजह से, तब इसे दिया जाता है। ये बहुत अच्छा है, जैसे कि आपके गैसेस पास ईजिली करवाता है, और जो इरिटेशन आपको दर्द हो रहा था पेट में उसे कम करवाता है, और आपके पेट में जो गैसेस थे या जो एसिडिटी थी उसे न्यूट्रलाइज करवाता है, ताकि आपके जो कम्फर्ट डिसकम्फर्ट फील कर रहे थे वो आपको अच्छे से फील। तो इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज रहता है वह ट्वाइस रहता है। जब आप खाना खाते हैं उससे 20 मिनट पहले ले सकते हैं इसे, और इसे खाली पेट लिया जाता है ताकि आपका जो फूड वगैरह है जो अच्छे से वो आपके अंदर जो कि पच जाए, गैसेस वगैरह ना बने। और जैसे इसे तब दिया जाता है, और भी जैसे कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या आप कोई कैल्शियम ले रहे हैं, या कोई आयरन का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि आयरन की सप्लीमेंट ले रहे हैं, तभी भी इसे देते हैं ताकि आपको गैसेस वगैरह पेट में नहीं बने। तो आप बात करते हैं अगर आप कोई डोज मिस कर जा रहे हैं तो आप सिंगल डोज फॉलो करें, और जैसे कि अगर आप इसे ले रहे हैं तो बंद करने से पहले जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसे तब तक दिया जाता है जब तक कि आपकी समस्या बनी रहती है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह के आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको डायरिया फील हो सकती है, यानी बार बार आप बाथरूम को जा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन फील कर सकते हैं, यानी कि आपको जो बाथरूम करने में तकलीफ हार्ड हो सकता है, और आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कॉमन साइड हर एक में नहीं दिखता, किसी किसी में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इससे ले रहे तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।